इथेयं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतीर्याहं करिष्याम्य रिसंशयम्। जब जब संसार में दानवीय बाधाएं उपस्थित हो तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। अभी तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर रत्नागिरी के राजा रत्नाकर के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। तुम मेरे ही स्वरूप तुम माध्यम बनने वाले हो मेरी एक दिव्य मनोकामना के पूर्ण होने का। विष्णु का अंश वैष्णवी पावन नाम वैष्णवी। रावण की इच्छा का विरोध करने वाला तीनों लोकों में ना तो आज तक जन्मा है ना जन्मेगा। सदी की इस महान वीरांगना को राम का प्रणाम। परंतु राम तो चले गए पुत्र। राम चले गए मेरी भावनाओं को बिना मुझसे सुने। वैष्णवी नियत समय पर निसंदेह तुम्हारा प्रेम विजयी होगा। तो जाओ और जाकर उत्तर भारत में स्थित त्रिकूट पर्वत पर मेरी प्रतीक्षा करो। तुम्हें जगत जननी का रूप धारण करना होगा। आपको धर्म अधर्म के युद्ध महाभारत में धर्म के प्रतीक अर्जुन को जाकर सहयोग देना है। श्री राम ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही श्री राम है। समय आ गया है कि भैरवनाथ तुझे अपने वश में कर ले। लाए चमत्कारी पात्र दे मुझे। तुम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हो मुझे ज्ञात है भैरवनाथ, परंतु तुम गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जय श्री राम। तेरी कृपा से भक्त जनों की आहार बिगड़ी बन जाए, तू बांझ को दे संतान। सागर का वंशज राम इस विशाल सागर तट और संपूर्ण अंतरिक्ष को साक्षी मानकर तुम्हें वचन देता हूँ कि जब कलयुग में मैं कल की अवतार लेकर धरती पर अवतरित होऊंगा तो तुम्हें ही अपनी पत्नी के रूप में वरण करूंगा।